नमस्ते, मैं रजत। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी या आप कह लें जगन्नाथपुरी ट्रिप से रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगा, जैसे किस सीज़न में आए, कितने दिन का ट्रिप बनाएं यहां के लिए, आप यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पे घूमने लायक कौन कौन सी जगहें हैं, यहां पे आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कुल मिला के आप इस ट्रिप को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर वो आपके पैसे के मामले में हो या फिर समय। तो चलिए शुरू करते हैं। जाड़े के समय आना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप गर्मी के समय आते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और समुद्र तट पे बसे होने के कारण यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यदि आप बारिश के समय मॉनसून में आते हैं तो आपको अच्छी खासी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और बात रही खाने की, तो यहाँ पे समुद्र तट पे बसे होने के कारण आपको अच्छे खासे सी फूड खाने को मिलेंगे, और चार धामों में एक होने के कारण आपको वेज फूड खाने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। भारत के मुख्य शहरों से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि आपके शहर से यहाँ तक की ट्रेन नहीं है तो भुवनेश्वर तक का चेक कर ले, और भुवनेश्वर पहुँच के आप बस के थ्रू पुरी पहुँच सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस बस 60 किलोमीटर ही है। यदि आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम, हैदराबाद से डायरेक्ट बस की फैसिलिटी अवेलेबल है भुवनेश्वर तक, और भुवनेश्वर से चेंज करके आप पुरी पहुँच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित है, तो भुवनेश्वर तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं, उसके बाद आप कैब हायर करके या बस के थ्रू पुरी पहुंच सकते हैं। एकोमोडेशन के लिए आप ऑनलाइन अपने शहर से बुकिंग करवा के आ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन यहां डायरेक्ट होटल में जाके बुकिंग करवा सकते हैं। 1500 से 2500 में आपको यहां पे सी फेसिंग होटल मिल जाएगा। यदि आप सस्ते में रहने का जगह खोज रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे एक बार ज़रूर चेक करें। सिटी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सिटी बस का यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे शेयरिंग ऑटो कैब ये सब भी चलती है, तो उसके मदद से भी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जा सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं तो अपना पर्सनल कैब, बाइक, स्कूटी रेंट पे भी लेके घूम सकते हैं। बात रही साइट सीन की, तो यहाँ पे सबसे फेमस, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी, तो उस जगन्नाथ जी का दर्शन करें। यहाँ पे सिल्वर बीच है, ये बीच काफ़ी क्राउडेड है, यहाँ पे आप कैमल राइड का आनंद ले सकते हैं। अगर यदि आपको कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, तो इस बीच पे आप आनंद ले सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स का यहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। सिल्वर बीच के बाद आप गोल्डन बीच पे भी जरूर जाएं, ये इसके जस्ट सटा हुआ है, बस इसे एक बांस के थ्रू अलग कर दिया गया, क्योंकि उसका एक अलग से चार्ज है। तो गोल्डन बीच पे ज़रूर जाएं, क्योंकि ये साफ़ सुथरा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, यहाँ पे शांति है, तो यहाँ भी ज़रूर जाएं।